अगली खबर ग्वालियर से आ रही है, जहां पुरानी छावनी थाना क्षेत्र स्थित तिघरा रोड निवासी रवि उर्फ विक्रम सिंह मंगलवार दोपहर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय जन सुनवाई में पहुंचा है। यहां उसने बताया कि वह मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है, पर काफी सालों से यहां पुरानी छावनी तिघरा रोड पर चाय का स्टॉल चलाता है। उसके 5 बच्चे 3 बेटे व 2 बेटी है। बड़ी बेटी की शादी भरतपुर राजस्थान के चुरारी गाँव निवासी प्रवीण गुर्जर के साथ हुई है। उसने बताया कि 25 दिसंबर दोपहर उसका बेटा सत्यवीर अपने छोटे भाई राहुल व बहन गुड़िया को लेकर बाइक से भरतपुर बहन से मिलने गया था। शाम को उसने फोन कर सूचना दी कि वह पहुंच गया है। जब रात को उसने छोटे बेटे को फोन लगाकर बात की तो उसने बताया कि जीजा प्रवीण गुर्जर ने मोबाइल छीनकर अपने पास रख लिया है, साथ ही हमें बंधक बनाकर मारपीट कर रहा है। बेटे ने यह भी बताया कि प्रवीण ने अपने साथी लोकेंद्र के साथ मिलकर हमारे मोबाइल छीनकर हमें बंधक बना लिया है। बच्चों के इस तरह फोन करने पर पिता अगले दिन 26 दिसंबर सुबह 11 बजे स्थानीय थाना रूदबल थाने पहुंचा, वहां पूरी बात से अवगत कराया। जब पुलिस को लेकर बेटी के ससुराल पहुंचे तो वहां दामाद ने बताया कि बच्चे वहां नहीं है, बच्चे आए ही नहीं है, दामाद से बच्चों को गायब कर दिया है। पीड़ित ने बताया कि शादी के बाद से ही दामाद उसकी बेटी को प्रताड़ित करता है, मारपीट करता है और दहेज मांगता है, जिस कारण उससे कई बार झगड़ा भी हो चुका है। यही वजह है कि बच्चों को उसने बंधक बनाकर गायब कर दिया है। अब पीड़ित पिता ने ग्वालियर पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। इस मामले में एएसपी क्राइम राजेश दंडौतिया का कहना है कि अभी एक युवक ने शिकायत की है। पुरानी छावनी पुलिस को मामले को देखने के लिए कहा गया है। यदि बच्चों को बंधक बनाया गया है तो उन्हें मुक्त करा लिया जाएगा। मेरे बच्चे 3 दिन से गायब है, 2 लड़के हैं 1 लड़की है। लड़की की उम्र 15 वर्ष है, एक बड़ा लड़का 21-22 वर्ष का है, छोटा 10 साल का है। तो जो तीसरे नंबर का बच्चा है एक और इतना बड़ा 12-13 साल का, उसको बता गए हम बहन जी के यहाँ जा रहे हैं। तो सर ये भरतपुर में पड़ती है डांग चुरारी, थाना रुदावल पड़ता है। तो मैंने शाम को बात करी बच्चे ने, पापा हम पहुँच गए। सुबह छोटे लड़के ने फोन किया, पापा हमारे साथ इन्हें मारपीट करी है, मोटरसाइकिल की चाबी खुसवा ली और हमको ये बंद कर रहे हैं, पुलिस कार्रवाई करो। कौन लोग ले? वो रिश्तेदार हैं सर। उसमें एक मामला सामने ये आया है कि इसके अंदर बताया गया कि उसके एक बच्चा जो 22 साल का है, एक और 2 लड़के और 1 लड़की गुम हो गए पिछले 2 दिन से, और वो पहले वकील से चर्चा कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, फिर अभी जन सुनवाई में सबसे पहली बार आए हैं और उन्होंने बोला कि इसमें कार्रवाई की जाए। तो तत्काल थाना प्रभारी को पुरानी छावनी को निर्देशित कर दिया गया है।